हेलो दोस्तों, मैं अमित ओझा MI ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको मदद कर रहा हूं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। COVID-19 के पीरियड में घर में हैं, सुरक्षित हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने मैथ्स की सीरीज़ में आज टाइम वर्क शुरू करने वाला हूँ और ये टाइम वर्क भी कई वीडियोज़ में चलेगा। पार्ट बाय पार्ट इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नए लोगों को जोड़िए इसके साथ, चैनल के साथ, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहूँ और आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज टाइम वर्क। और टाइम वर्क में हम पहले कुछ चीज़ों को जानेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बताया था कि टाइम वर्क पढ़ने से पहले हम लोगों को एक दो चीज़ें जाननी है कि टाइम वर्क में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो टाइम वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। एक तो आदमी, हर सवाल में आपको आदमी मिलेगा, समय मिलेगा, और क्या मिलेगा, काम मिलेगा। ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी कि ए बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मिल गया ना, एक काम मिल गया, ए और बी आदमी मिल गया, 20 और 30 दिन मिल गए। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइम वर्क को हम पूरे लाइन डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। साथ ही उसके अलावा एक दो चीज़ें और आपको जान लेनी चाहिए इसमें कि आदमी, समय और काम के बीच का रिलेशन कैसा होगा। तो अगर हम आदमी और काम के, समय और काम के बीच का रिलेशन चाहेंगे, सपोज़ कीजिए अगर आपका काम फिक्स है कि पता है कि आपको इतना काम करना है, जैसे मान लीजिए आपको 100 पेन बनाना है, तो आपको ये पता है कि 100 पेन बनाना है, तो अब आदमी और समय दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है कि अगर आदमी और समय के बीच का रिलेशन हम निकालना चाहेंगे, यदि आपको 100 पेन बनाना है, तो ध्यान रखिएगा अगर 100 पेन बनाने के लिए आप ज़्यादा आदमी लगाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा, और कम आदमी लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आदमी और समय के बीच का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब आदमी बराबर 1/1 टाइम या 1/1 समय हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वर्क को कांस्टेंट रखा जाए तो मैन और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे कि अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, कैपेसिटी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। निश्चित रूप से अगर ज़्यादा आदमी लगाएंगे आप तो टाइम कम लगना है, कम आदमी लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगना है। अब अगर हम बात करें कि अगर आदमी को कांस्टेंट रख लिया जाए और टाइम और वर्क के बीच का रिलेशन निकालना हो, समय और काम के बीच का रिलेशन निकालना है, तो आप देखिए कि अगर आप आदमी को कांस्टेंट रखते हैं तो भाई आपका अगर वर्क ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर वर्क कम है तो टाइम कम लगेगा। मतलब वर्क और टाइम के बीच का रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। दोनों डायरेक्टली, अगर वर्क बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा और वर्क घटेगा तो समय घटेगा। अब कौन सा बचा, अब अगर आप समय को कांस्टेंट रख लेते हैं तो वर्क और मैन के बीच का रिलेशन चाहिए, तो अगर टाइम को कांस्टेंट रखिएगा तो आप ज़्यादा आदमी लगाएंगे या ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा आदमी चाहिए, और कम काम होगा तो कम आदमी चाहिए। मतलब अगर टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तो वर्क और मैन के बीच का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें याद रखेंगे कि इन सब के बीच में रिलेशन कैसा है और कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले सवाल पे आते हैं। टाइप 1 पहला सवाल है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया भी था। पहला सवाल है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने कहा था कि लाइन डायग्राम से पहले पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो लाइनें खींचेंगे ए और बी के लिए, ये ए के लिए और ये बी के लिए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है
और बी उस काम को 30 दिन में करता है। तो ये ए का काम, ये बी का काम। मैंने बताया था कि यहाँ पे उनका दिन लिखेंगे, सॉरी ये ए का दिन है और ये बी का दिन है, जितना उनको टाइम लगता है ये यहाँ पे लिखेंगे। दोनों का फिर एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 20 और 30 का लघुत्तम आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। तो ये जो 60 आया इसको हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क। ये मैंने पहले भी बताया आपको, टोटल वर्क मान लिया। अब अगर टोटल वर्क 60 है, मतलब अगर 60 पेन बनाना है टोटल, और ए 20 दिन में 60 पेन बनाता है अकेले, तो अकेले एक दिन में कितना बनाएगा, 20 से 60 में डिवाइड करेंगे, 20 तिहाई 60। यहाँ पे ये ए के एक दिन का काम है, ए के एक दिन का काम, और फिर 60 में 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये बी के एक दिन का काम है। तो ध्यान रखना है कि जितना भी टाइम वर्क का सवाल आएगा उसमें पहला काम ये तो हम करेंगे ही करेंगे कि पहले ए और बी और सी और डी, चाहे जितने लोग हों उनके लिए लाइनें खींचेंगे, सबका दिन लिखेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली। डिवाइड करने के बाद आएगा वो एक एक दिन का काम होगा सबका। तो ए के एक दिन का काम 3 है, इसका मतलब ए एक दिन में अकेले 3 पेन बनाता है, बी एक दिन में अकेले 2 पेन बनाता है। और सवाल कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पूरा काम है क्या 60। 60 का मतलब 60 पेन बनाना है, 60 पेन बनाना है। तो अगर दोनों मिलेंगे तो ए एक दिन में 3 पेन बनाएगा, बी एक दिन में 2 पेन बनाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेन बना देंगे। तो अगर एक दिन में 5 पेन बनाएंगे तो 60 पेन टोटल बनाना है, तो टाइम कितना लगेगा, 60 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 12। मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में 60 पेन बना देंगे, इसका मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी देखा हमने कि ए और बी, तो चलिए ए के लिए ये लाइन है और ये बी के लिए है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 में 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई 30, 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30। मतलब ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है। कह रहा है दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा, तो ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा एक दिन में। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 और 2 5, टोटल काम है 30। तो पूरा काम समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा, 30 काम है, एक दिन में 5 काम होता है दोनों के द्वारा, तो 30/5 6, मतलब ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 लोग हैं, तो ए बी सी, ये बी ये सी, ए 6 घंटे में एक काम करता है, बी 4 घंटे में एक काम करता है, और सी 12 घंटे में काम करता है। ये लिख दिया हम लोगों ने टाइम इसका। अब फिर क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 यहाँ क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्या आप भाग देना है, 12 में 6 से भाग देंगे 2 बार में, 12 में 4 से भाग देंगे 3 बार में, 12 में 12 से भाग देंगे 1 बार में। इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है, सी अकेले एक दिन में 1 काम करता है। कह रहा है अगर तीनों मिल जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल जाए तो, तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में ए 2 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, सी 1 काम करेगा अकेले अकेले। तीनों मिलेगा तो 2, 3, 5 और 1 6 काम होगा एक दिन में, टोटल काम है 12। तो 12 काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, 12 में 6 से भाग दे देंगे कितना होगा, 2 दिन। तो आंसर हो गया 2 दिन। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इसे 24 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि यहाँ ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो मैंने कहा था कि 2 लोग हैं, 2 लाइनें खींच दीजिए। ठीक है, अब एक के लिए 16 दिन है और एक 24 दिन है। ध्यान ये देना है कि ये 16 दिन किसके लिए है, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो यहाँ ये ए और बी दोनों के लिए है, तो ए और बी लिख देंगे।
और ये ए अकेला 24 दिन में करता है तो यहाँ ए लिख देंगे। अब क्या करेंगे, टाइम लिख दिया हमने, टाइम का एलसीएम निकालना है, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 48, 48 एलसीएम निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो एलसीएम एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे उसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल आप जो डिवीजन मेथड है उससे निकाल सकते हैं। तो 16 और 24 का एलसीएम 48, अब यहाँ टोटल वर्क हो गया 48, फिर भाग देंगे 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार में। अब देखिए यहाँ ए और बी है, तो ये ए और बी के एक दिन का काम है 3, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है। तो कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब सोचिए कि ए बी एक दिन में 3 पेन बनाते हैं दोनों मिलकर, अब उसमें से ए अकेले 2 पेन बना देता है तो बी कितना पेन बनाएगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, बी 1 पेन बनाएगा। इसका मतलब अगर 48 पेन बनाना हो तो बी को कितना टाइम लगेगा, 48/1, 48 दिन लगेगा, क्योंकि बी एक दिन में 1 पेन बनाता है या 1 काम करता है, तो 48 काम करने में बी को 48 डेज लगेंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, चलिए 3 लोग हैं, फिर हम देखते हैं। 3 लाइनें खींचें, ये ए प्लस बी के लिए है, ये बी प्लस सी के लिए है, और ये सी प्लस ए के लिए है। ए प्लस बी को किसी कार्य को करने में कितना दिन लगा, 18 दिन, बी प्लस सी को 24 दिन, और सी प्लस ए को 36 दिन। तो तीनों का दिन लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा, 72। तो अब 72 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। भाग देंगे 18 चौके 72, 24 तिहाई 72, 36 दूना 72, भाग दे दिया। मतलब यहाँ पे ये ए प्लस बी, ए और बी के एक दिन का काम है, ये बी और सी के एक दिन का काम है, और सी और ए के एक दिन का काम है। मान लीजिए सपोज कीजिए तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9, एक दिन में 9 काम हुआ। लेकिन एक दिन में कितने लोग हो गए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब 2 × a + b + c, इतने लोग हो गए ना। तो अगर ये सब मिलेंगे तो पूरा काम कितना है, 72। पूरा काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, 72/9, 8, मतलब 8 दिन लगेगा। मतलब ये है कि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ये सब मिलेंगे तो कितना दिन लगेगा, 8, मतलब 2 लोग हैं, 3 × 2 = 6 लोग हैं। सवाल में आपसे पूछा गया ए बी और सी, तो अगर ए बी और सी करेंगे तो क्या हो गया, आदमी घट गया, कम हो गया ना। तो मैंने अभी बताया कि अगर आदमी कम हो जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। काम अगर फिक्स है 72 वर्क करना है, तो आदमी घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगना है, आदमी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ए बी सी अगर उस काम को करेंगे तो कितना करेंगे, 8 × 2, चूंकि यहाँ 6 लोग थे, आधा हो गए तो डबल हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, 16 दिन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दूसरे टाइप का है, टाइप 2। इसमें कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो अब देखिए पहला काम क्या करना है कि हम लोगों को ये काम तो सबसे पहले करना है कि ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। दोनों के एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 30, फिर भाग देंगे 15 × 2 = 30, 10 तिहाई 30। ये हर सवाल में करना है आपको, टाइम वर्क के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें सब ये करना है। उसके बाद आपके स्टेटमेंट के लिए एक और कंसेप्ट ध्यान रखना है कि पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि टाइम वर्क हो या अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप स्टेटमेंट समझ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझ पाए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होने में परेशानी होगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब कह रहे दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब क्या है, ए और बी लिख दिया, 2 दिन तक कार्य किया दोनों ने मिलकर, तो इनके नीचे लिख देते हैं 2 दिन। ठीक है, अब सोचिए कह रहा है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। चलिए तो यहां से यहां तक 2 दिन कार्य हुआ, इसमें ए और बी दोनों साथ रहे, उसके बाद बी चला गया, तो बी ने कार्य छोड़ दिया, तो कौन बचेगा, ए बचेगा। कह रहा है शेष कार्य ए ने पूरा किया, तो पहले तो ये देखिए कि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना कार्य करेंगे। तो यहाँ ये आपका टेबल क्या बताता है,
कि ए अकेले एक दिन में दो काम करता है, बी अकेले एक दिन में तीन काम करता है। अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में दो और तीन पांच काम होगा। तो एक दिन में पांच काम हो रहा है, दो दिन में कितना काम होगा? 10 काम होगा। टोटल काम था 30, 30 में से 10 काम 2 दिन में ए और बी ने कर दिया। अब बचा कितना काम? 30 में से 10 काम हो गया बचा, घटा देंगे तो कितना काम बचा? 20 काम। तो कह रहा शेष काम, तो शेष काम तो 20 है ना। कह रहा शेष कार्य ए ने पूरा किया। ए अकेले एक दिन में दो कार्य करता है तो शेष कार्य 20 है, तो 20 कार्य करने में ए को कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग देंगे 10 दिन लगेगा। तो ए अकेले शेष कार्य को 10 दिन में करेगा। तो कह रहा सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो कार्य तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ समाप्त हुआ, तो 2 दिन ए और बी ने किया, 10 दिन ए ने अकेले किया, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो आपको ऐसे ही मजा आने वाला है, आप पूरा वीडियोस देखते जाइए, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपको पूरे टाइम वर्क में इतना मजा आएगा कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप देखेंगे कि जैसे ही टाइम वर्क का चैप्टर समाप्त हुआ, आपके लिए टाइम वर्क बहुत ईजी हो गया। आपको समझ लगेगा कि टाइम वर्क कुछ था ही नहीं, बिना मतलब का डर रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी पूरा करता है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? फिर वही करेंगे, ए बी, ए को लगा 10 दिन, बी को लगा 20 दिन। एलसीएम निकालेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 20। फिर भाग देंगे 10 दूना 20, 20 एकाई 20। अब फिर स्टेटमेंट, चलिए स्टेटमेंट कहता है दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया है, तो नीचे लिख देंगे कितना? 4 दिन। अब चलिए 4 दिन बाद ए चला गया तो बचेगा कौन? बी। और कह रहा शेष कार्य बी करता है, तो पहले ये देखेंगे 4 दिन में कितना काम होता है ए और बी के द्वारा। ए एक दिन में दो कार्य करता है अकेले, बी एक दिन में एक कार्य करता है अकेले। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 और 1 3 काम। तो 4 दिन में कितना काम हुआ दोनों के द्वारा? 12 काम। तो अब टोटल काम था 20, 12 काम हो गया, बचा कितना काम? 20 काम में से 12 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 8 काम। और ये 8 काम क्या है? शेष। ये करता कौन है? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम। तो 8 काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 8 दिन। कार्य हो गया समाप्त। तो कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 4 दिन यहाँ लगा, 8 दिन यहाँ लगा, टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 12 दिन में होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? चलिए, तो पहला हमारा काम क्या है कि हम निकालेंगे ए और बी के द्वारा जो कार्य किए गए। ए बी, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। दोनों के एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36, भाग देंगे 12 तिया 36, 18 दूना 36। क्लियर है दोस्तों? अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां स्टेटमेंट में पहला तो क्या है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो चलिए ए और बी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन पिछले सवाल की तरह इसमें यह नहीं दिया गया है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। इसमें कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। दोनों ने स्टार्ट किया था, लेकिन ए जब काम छोड़ता है उसके 3 दिन बाद तक काम हो रहा है। यही कह रहा है ना कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, मतलब जब काम समाप्त हुआ उसके 3 दिन पहले ए चला गया। इसका मतलब यह है कि जब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा? बी। और बी कब कर रहा है? लास्ट का 3 दिन बी अकेले कार्य किया है। सवाल ये कहता है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला गया, तो लास्ट का 3 दिन कौन काम करेगा? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 3 दिन में अकेले काम कितना करेगा? 6 काम। टोटल काम कितना था? 36। तो टोटल वर्क 36 था, 36 में से 6 काम बी ने अकेले किया है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? 36 में से 6 माइनस कर देंगे, 30 काम दोनों मिलकर करेंगे। अब दोनों जब मिलते हैं तो एक दिन में 3 और 2 5 काम होता है, तो 30 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 5 से भाग दे देंगे, कितना टाइम लगा? 6 दिन लगा। तो सवाल कहता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 6 दिन ए और बी ने मिलकर कार्य किया है, बी ने अकेले 3 दिन काम किया है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 9 दिन। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है ए अकेला
ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो तथा ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? चलिए पहले तो हम लोगों को ये करना है कि ए और बी, ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में करता है, तो अब 10 और 15 दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 30। भाग देंगे 10 तिहाई 30, और 15 दूना 30 भाग देंगे तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब फिर स्टेटमेंट पे आएंगे, स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक दिन ए काम करेगा एक दिन बी काम करेगा तथा ए कार्य आरंभ करे, सपोज कीजिए ए कार्य स्टार्ट करता है एक दिन कर दिया, तो पहले दिन ए काम करेगा, अब अगले दिन ए नहीं आएगा बी आएगा। सवाल कह रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कर रहे हैं, तो अगले दिन बी आया एक दिन वो काम किया, फिर अगले दिन ए आया फिर वो एक दिन काम किया, फिर अगले दिन बी आया फिर वो एक दिन काम किया। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि काम समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हैं ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 3। बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब उसके बाद देखिए कि इस 2 दिन में जितना काम हुआ है अगले 2 दिन में तो उतना ही होना है ना, क्योंकि फिर ए और बी ही आएंगे अल्टरनेट डेज में। तो इस 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। 5 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। सवाल में कितना काम दिया है, 30 काम। तो अगर हर 2 दिन में एक रेशियो बन गया ना कि हर 2 दिन में 5 काम होगा, तो 30 काम होने में कितना टाइम लगेगा, तो इस 5 काम को 30 करना हो तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो इस 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 काम होने में कितना टाइम लगेगा, 2 गुना 6 12 दिन लगेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके, और आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप घबराना नहीं है आपको, आप बिल्कुल आराम से पढ़ते चलिए, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, और टाइम वर्क बहुत ही ईजी लगने वाला है आपको आने वाले समय में। बस धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए फिर ए और बी, ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, एलसीएम 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। ये पूरे टाइम वर्क में आपको ये करना ही है, इसके बाद स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, पहले ये आराम से कर लीजिए, जैसे ही आपको दिन दिखे ये काम कर लीजिए बिना कुछ सोचे, उसके बाद स्टेटमेंट पे चलिए। फिर क्या कहता है कि ए कार्य आरंभ करता है, चलिए ए शुरू किया एक दिन किया, फिर बी आया वो एक दिन किया, फिर ए आया फिर वो एक दिन किया, फिर बी आया फिर वो एक दिन किया, ऐसे चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होता। तो इस एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3, चूंकि अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी कितना काम करेगा, 4। फिर अगले दिन, मतलब ये इस 2 दिन में जितना काम हुआ अगले 2 दिन में फिर उतना ही काम होना है, तो इस 2 दिन में कितना काम हुआ, 7। तो 7 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में आपने देखा होगा कि 7 काम का मल्टीपल ही था टोटल वर्क, लेकिन यहाँ क्या है, टोटल वर्क 7 काम का मल्टीपल नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 48 के आसपास पहुंचेंगे 7 काम का मल्टीपल के लिए, तो 7 गुना 7 49 49, तो ये काम ज़्यादा हो गया, चूंकि हमको 48 काम ही करना है, तो 48 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, कम ही लेंगे, तो 7 गुना 6, तो 2 गुना 6 42 काम 12 दिन। तो इस 12 दिन में 42 काम हो गया, लेकिन आप देखिए कि हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन कौन आता है, ए आता है, मतलब 2 दिन का जो साइकिल है उसके बाद ए की बारी आएगी। तो चलिए 12 दिन काम हो गया, 42 काम हो गया, फिर बारी आई ए की, ए आएगा कितना काम कर देगा, 3, तो 42 3 कितना हो गया, 45 काम हो गया, 45 काम हो गया, टोटल काम है 48। अब बचा कितना काम, 3 काम, तो अब बचा 3 काम, और ये 3 काम कौन करने वाला है, बी करने वाला है, चूंकि बी की बारी है, और बी एक दिन में 4 काम करता है, बचाए 3 काम, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3/4 दिन, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 12 दिन। तो ये हुआ एक दिन ए ने काम किया, और फिर बी आके 3/4 दिन करता है, तो टोटल टाइम कितना होने वाला है, 12 और 1 13 24 काम। अगला
अगला सवाल कहता है कि ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? चलिए तो देखते हैं इसमें ए बी और सी। ए बी सी, ए को लगता है 11 दिन, बी को 20 दिन, सी को 55 दिन। तो दो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 220, भाग देंगे 11 दूना 22, 20, 20 11 और ये 55 4। अब आपको क्या करना है कि इसका स्टेटमेंट देना है। कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन ए और बी काम करेंगे फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे फिर अगले दिन ए और बी काम करेंगे फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका काम समाप्त नहीं होता है। तो अब देखिए पहले दिन ए और बी आएंगे तो कितना काम करेंगे? ए एक दिन में 20 काम करेगा, बी एक दिन में 11 काम। दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? बी ए और बी का 20 और 11 31 काम। फिर कह रहा है ए और सी, तो ए और सी, ए एक दिन में 20 काम, सी एक दिन में 4 काम, दोनों मिल जाएगा तो कितना काम होगा? 24 काम। तो अब देखिए इस 2 दिन में जितना काम हुआ अगले 2 दिन में उतना ही काम होने वाला है, क्योंकि सेम लोग रिपीट होने वाले हैं ना। तो इस 2 दिन में कितना, 31 और 24, कितना काम हुआ? 55 काम। 55 काम कितना हुआ 2 दिन में, तो टोटल काम कितना है? 220। तो 55 को 220 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 2 गुना 4 8 दिन। उत्तर आपका 8 दिन होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा सवाल, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आता है तो बहुत इजी से आसानी से सॉल्व हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल अभी देखने वाले हैं हम लोग टाइम वर्क में, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि टाइम वर्क तो कुछ था ही नहीं, हम लोग बिना मतलब का डर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो मैंने क्या बताया था पहले ही कि सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ए बी सी, और कितना, ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। फिर भाग देना है, ये टोटल वर्क हो गया 60, भाग दीजिए 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। क्लियर हो गया? मैंने पहले ही कहा कि इतना आपको हर सवाल में करना है टाइम वर्क के। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कहता है तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट किए। फिर कहता है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब 4 दिन तक ए बी सी ने काम किया फिर ए छोड़ देता है। तो ए जब छोड़ देगा तो कौन बचेगा? बी और सी। फिर सवाल कहता है कि अगले 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। अब जब ए चला गया तो बी और सी बचे, और क्वेश्चन कहता है कि अगले 2 दिन बाद बी भी चला गया, मतलब बी और सी ने 2 दिन काम किया, अब बी चला जाएगा तो कौन बचेगा? सी। अब आपको जब स्टेटमेंट आप लिख लेते हैं मैथमेटिकली, अब आपको ध्यान देना है कि ए बी सी ने मिलकर 4 दिन तक साथ काम किया, तो जब ए बी सी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 4 3 7 और 2 9 काम होगा, तो 4 दिन में कितना काम हो गया? 36 काम। अब कह रहा है बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो बी सी मिलेंगे तो एक दिन में 3 और 2 5 काम होगा, चूंकि बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो गुना 5, दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा? 10 काम। तो 36 और 10 46 काम, 36 10 46 वर्क तो हो गया। टोटल वर्क था कितना? 60। बचा कितना? 60 में से 46 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 14 काम। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा? सी। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 14 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग दे देंगे, 7 दिन। तो सी को बचा हुआ काम करने में 7 दिन लगा। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना है, मतलब पूरा कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगा? तो 4 दिन 2 दिन 6 दिन और 7 दिन, कितना दिन लगा? 13 दिन, क्योंकि तीनों ने मिलकर 4 दिन किया, बी और सी ने 2 दिन किया और सी अकेले 7 दिन किया, तो सब मिला के 4 2 6 और 7, 13 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 6, 10, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, एक दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब ये अगले एक दिन बाद।
तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो फिर हम लोग को क्या करना है, वही ए बी सी 6 10 15 एलसीएम निकालेंगे 30, तो ये हो गया 6 5 30, 10 3 30, 15 2 30। फिर स्टेटमेंट, तीनों ने मिलकर कार स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर स्टार्ट किया कार्य। कह रहा है 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो इसका मतलब है 2 दिन तक दोनों ने कार्य किया है तीनों ने। अब ए चला गया तो कौन बचेगा, बी और सी। अगले 1 दिन बाद बी और सी बी चला गया, तो अगले 1 दिन तक बी और सी ने कार्य किया। फिर अब बी चला गया तो कौन बचेगा, सी। तो आपको देखना है इस 2 दिन में कितना काम हो गया। अगर तीनों मिलेंगे तो 5 3 8 2 10 काम होगा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 20 काम। बी और सी 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो बी 3 काम, सी 2 काम, तो 3 और 2 5 काम। तो 1 दिन में कितना काम होगा, 5। तो टोटल काम 20 और 5 25 काम हो गया। टोटल काम था कितना, 30, बचा कितना, 30 में से 25 माइनस करेंगे, बचा है 5 काम। और ये 5 काम कौन करेगा, सी। और सी 1 दिन में कितना काम करता है, 2। तो 5 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से भाग देंगे, 2 सही 1/2 2 दिन। तो कह रहा टोटल टाइम निकालिए, तो टोटल टाइम निकाल देंगे, 2 1 3 और 2 सही, मतलब 5 सही 1/2 2 दिन, मतलब 5.5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल नहीं है तो हमारा आज का सवाल यहीं तक है, और हम नए सवालों के साथ फिर अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे, शामिल होऊंगा मैं आपके साथ। तब तक आप मुझे विदा दीजिए, अगले वीडियो में मैं टाइम वर्क के नए सवालों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग पढ़िए ध्यान लगा के, और वीडियोस को फॉलो करिए, बार बार देखिए, बार बार सवाल को सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सवाल लिखिए फिर सॉल्व कीजिए, और इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। और भरोसा रखिए आप इसमें इतने पारंगत हो जाएंगे कि फिर आपको टाइम वर्क से कोई टेंशन होगा ही नहीं, आप टाइम वर्क के सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आने वाला है, और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथ जोड़ेंगे, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूं, और फिर हर चैप्टर को और अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं, ताकि आपको मैथ्स से जो डर है वो समाप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।